शिवसेना बाला साहब ठाकरे की विशेष बैठक नूरपुर के मठौली में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जोगिंद्र पाल ने की। राज्य प्रभारी ब्रिजलाल बैठक में विशेष रूप से मौजूद रहे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। शिवसेना राज्य प्रभारी ब्रिजलाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये जो बैठक रखी गई है ये लोकसभा चुनावों को लेकर रखी गई है। गोपाल चंद दुबे ने इस बैठक को लेने के आदेश दिए थे। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा तैयारी की जा रही है, तो शिवसेना भी अपने प्रत्याशियों को हिमाचल प्रदेश में उतारने जा रही है। आज इसी विषय में चर्चा की जाएगी और कल धर्मशाला में भी इसी विषय को लेकर बैठक रखी गई है, जिसमें शिवसेना के उम्मीदवार का चयन किया जाएगा और उस नाम को हाईकमान के पास भेज दिया जाएगा। आज इसी विषय में हम चर्चा विमर्श करेंगे। बाकी इसके लिए हमने कल भी एक मीटिंग रखी है जो हमारी धर्मशाला में रहेगी, जिसमें हमारा उम्मीदवार जो भी होंगे, दो तीन लोगों के कैंडिडेट के नाम दिए गए हैं, उनमें से एक को सिलेक्ट करेंगे और उसे हाईकमान के लिए भेज दिया जाएगा और जल्द ही उसकी जो है प्रकाशित कर दिया जाएगा कि किस कैंडिडेट को जो यहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए ब्रिजलाल ने बताया कि शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे हैं उन्हें सब जानते हैं, इसके लिए किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो शिवसेना पंजाब है, शिवसेना हिंदुस्तान है, उनका अपना वर्चस्व है। हमारी पार्टी ज्यादा हिंदुत्व के ऊपर निर्भर करती है। जैसे बॉम्बे महाराष्ट्र के अंदर पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन है, लेकिन बाहर के अन्य राज्यों में हमारा किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन नहीं है। इसके चलते हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा सीटों पर शिवसेना अपने उम्मीदवार उतारेगी। हमारे मुख्य मुद्दे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, वन माफिया, भू माफिया, इनको लेकर शिवसेना मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की विचारधारा अलग है और हमारी विचारधारा अलग है, जिसके आधार पर हम मैदान में उतरेंगे। देखिए सर, शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे है उसके लिए किसी भी प्रकार की रिप्रेजेंटेशन देने की आवश्यकता नहीं, आप सभी जानते हैं। बाकी जो शिवसेना पंजाब है, शिवसेना हिंदुस्तान है, उनका अपना वर्चस्व है। हम उस बारे में हर व्यक्ति विशेष को एक राइट है और अपनी पार्टी में आ सकता है, उस राजनीतिक दल में ला सकता है। जो हमारी पार्टी की विचारधारा, हमारी पार्टी की विचारधारा हिंदुत्व के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा कि आपको पता है, बॉम्बे महाराष्ट्र के अंदर जो हमारे बीजेपी के साथ लाइंस है, लेकिन बाहर के अन्य राज्यों में किसी प्रकार का लाइंस नहीं है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर विधान अपने लोकसभा में जो है हमारी 4 सीटों पर कैंडिडेट उतरेंगे। इसी को लेकर के जो है जल्द से जल्द मीटिंग की जा रही है और हमारे जो कैंडिडेट होंगे, जो मुख्य मुद्दे रहेंगे, वो मुख्य मुद्दे जैसा कि आपको पता है आज की डेट में शिक्षा को एक हब बना चुके हैं, करप्शन है, बेरोजगारी है, वन माफिया है, भू माफिया है, बहुत से इशू हैं, तो इनको लेकर के जो शिवसेना मैदान में आएगी और अपने कैंडिडेटों को उतारेगी। देखिए, भाजपा के साथ जो गठबंधन है महाराष्ट्र और बॉम्बे तक ही सीमित है, इससे बाहर हमारा किसी भी राज्य में कोई भी गठबंधन नहीं है। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, अन्य राज्यों में भी शिवसेना अपने प्रतिनिधि को उतार रही है, तो हिमाचल में उतारेगी। हिंदुत्व की बात करते हैं, भाजपा हिंदुत्व की बात करती है, तो फिर उससे अलग क्यों? देखिए, मैंने आपसे कहा कि हर पार्टी की एक विचारधारा है, भाजपा की विचारधारा अलग है, हमारी हिंदुत्व की विचारधारा है, और जिसके आधार पर हम जो है मैदान में।